हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ काउंटर पार्टी डिफ़ॉल्ट रिस्क के बारे में। ये कुछ कोई ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रिस्क नहीं है, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। काउंटर पार्टी डिफ़ॉल्ट रिस्क में क्या होता है ना कि क्या होता है कि जब एक पार्टी, ठीक है, अगर दो पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, सिंपल लैंग्वेज में आपको बता रही हूँ, अगर दो पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है और एक पार्टी क्या होता है कि उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल नहीं कर पाता है, या अगर कोई लोन लिया हुआ है पार्टी बी से, है ना, ए पार्टी लिया हुआ है बी से और वो फुलफिल नहीं करता अपने ऑब्लिगेशन को, अपने कॉन्ट्रैक्ट को, तो उस टाइम्स क्या होता है, काउंटर पार्टी डिफ़ॉल्ट रिस्क अराइज हो जाता है ऑटोमेटिकली। जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हो कि काउंटर पार्टी डिफॉल्ट रिस्क इज़ द रिस्क दैट अ पार्टी टू अ फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट विल नॉट एबल टू फुलफिल इट्स कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन टिपिकली ड्यू टू फाइनेंशियल डिस्ट्रेस और इंसॉल्वेंसी। ये भी कारण हो सकता है, बोल रहा है कि हो सकता है कि एक पार्टी, जब दो पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट, तो मे बी वो फुलफिल नहीं किया हो बी का ऑब्लिगेशन या फेल हो गया हो उसमें, ठीक है, तो उस जगह पे क्या होता है, काउंटर पार्टी रिस्क अराइज हो जाता है। और रिस्क अराइज होने का कारण क्या होता है कि मे भी हो सकता है कि पार्टी ए के पास ये फाइनेंशियल डिस्ट्रेस हो या वो इंसॉल्वेंट हो गया हो, कंगाल हो गया हो, है ना, दैट्स व्हाई काउंटर पार्टी रिस्क डिफॉल्ट रिस्क अराइजेस। यहाँ पे ये भी दिया है कि दिस रिस्क इज़ अ कंसर्न इन अ वाइड रेंज ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इंक्लूडिंग डेरिवेटिव लोन सिक्योरिटी लेंडिंग एंड अदर टाइप ऑफ फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट। काउंटर पार्टी डिफॉल्ट रिस्क कैन बी सिग्निफिकेंट कंसर्न फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसर्न है कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही होता है। अगर बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में बात किया जाए, तो अगर कोई मतलब बैंक जैसे कि लोन दे देता है आपको, इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन को अगर लोन दे देता है, तो उस टाइम क्या होता है कि लोन लेने को तो ले लेता है लोग, फिर उसको चुकाता नहीं है, ठीक है, इंटरेस्ट जो चार्ज किया जाता है वो भी टाइमली नहीं मिलता है। दैट्स वाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसर्न होता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए। इसके लिए अगर ये रिस्क को हटाना है तो बहुत सारा स्ट्रैटेजी भी यूज़ करना पड़ता है, मैं आपको आगे बताऊँगी। एज इट कैन रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट लॉसेज इफ द काउंटर पार्टी फेल्स टू परफॉर्म इट्स ऑब्लिगेशन। ऑफकोर्स अगर कोई आपका पैसा नहीं देगा तो आपको लॉस होगा ही, है कि नहीं, तो यही मेन चीज़ है। अब इसमें मेन है क्या कि आप कैसे काउंटर पार्टी डिफॉल्ट रिस्क को मैनेज करोगे। अकॉर्डिंग टू मी ये बहुत ही क्लियर है मैनेज करने का, आप उसी से कारोबार करो जिसका यू नो हाई क्वालिटी काउंटर पार्टी के साथ आप वो करो, कॉन्ट्रैक्ट करो, बिकॉज वो लोग मतलब गुडविल वो लोग का अच्छा हो तो वो लोग नहीं चाहेगा अपना नेम एंड फेम मतलब बर्बाद हो क्या वो लोग का, तो उसके बाद तो उससे क्या होगा कि वो लोग जो भी आपसे लोन ले रहा है, एडवांसेस ले रहा है, तो वो आपको जल्दी चुकता करेगा, तो देर इज़ अ चांसेस ऑफ वेरी लो लेस रिस्क काउंटर पार्टी डिफॉल्ट रिस्क होता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपको कोलैटरलाइजेशन कर लो आप, ठीक है, मतलब अगर मानिए कि कोई पार्टी आपका ऑब्लिगेशन को फुलफिल नहीं किया, तो आप उसके एसेट्स को कोलैटर कर लो, कन्वर्ट कर दो कैश में, वो भी एक आपका वे हो गया मैनेज करना काउंटर पार्टी का। उसके बाद स्ट्रैटेजी, बहुत सारे स्ट्रैटेजी आप अप्लाई कर सकते हो टू मिटिगेट दिस काउंटर पार्टी रिस्क। अब इसमें स्क्रीन में अगर देखा जाए, देन ये देखिए आप क्या क्या दिया हुआ है इसमें। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टिपिकली इंप्लीमेंट रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिस दैट इंक्लूड क्रेडिट रिस्क असेसमेंट, ऑनगोइंग मॉनिटराइजेशन ऑफ काउंटर पार्टी क्रेडिट वर्थवाइल एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ क्रेडिट लिमिट एंड कोलैटरल रिक्वायरमेंट। मतलब क्रेडिट लिमिट भी फिक्स कर सकते हो आप कि नहीं हम इससे ज़्यादा नहीं दे पाएंगे, बिकॉज ह्यूज अमाउंट देने से क्या होगा कि जितना ज़्यादा जब पैसा आप दोगे उतने ज़्यादा आप फंसोगे, दैट्स वाई एस्टैब्लिशमेंट ऑफ क्रेडिट लिमिट कर सकते हो आप। एडिशनली इंस्टीट्यूशन में यूज़ क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप और अदर टाइप्स ऑफ क्रेडिट रिस्क ट्रांसफर मैकेनिज्म टू ट्रांसफर द रिस्क ऑफ काउंटर पार्टी डिफॉल्ट टू अनदर पार्टी। ये सब भी चीज़ आप अप्लाई कर सकते हो, स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हो टू यू नो टू मैनेज द काउंटर पार्टी डिफॉल्ट रिस्क। उसके बाद इसमें दिया है कि ओवरऑल मैनेजिंग काउंटर पार्टी डिफॉल्ट रिस्क इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड
ऑर्गेनाइजेशन डैट इंगेज इन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में इंगेज है वो ये काउंटर पार्टी रिलेटेड वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इट रिक्वायर ऑन गोइंग, इसके लिए ज़रूरी है कि आप ऑन हमेशा जैसे मॉनिटरिंग करते रहो, इवेल्यूएशन करते रहो, है ना। जैसे बोला जाता है ना कि अगर कोई आपसे लोन लिया है, अकॉर्डिंग टू मी, ओके, जैसे कोई आपसे लोन लिया है, पैसा लिया, वो दे नहीं रहा है, आप समझ गए हो कि ये देने वाला नहीं है, तो उसको टाइम टाइम पे मतलब उसको टॉर्चर दो, आपको पैसा इतना देना है, आपको इतना पैसा बाकी है, तो उससे क्या होगा, उसके पास जो भी पैसा है वो कम से कम थोड़ा थोड़ा करके तो ला के देगा ना। तो ये चीज़ हो गया आपको काउंटर पार्टी डिफॉल्ट रिस्क के बारे में।